खबर शाहजहांपुर से, जहां एसआईटी ने 2 महीने की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यौन उत्पीड़न मामले में चिमियानंद को कोर्ट में पेश किया गया। चिमियानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा उसके तीनों दोस्तों को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां भारी पुलिस बल भी तैनात रहे। आज एसआईटी द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध सीजीएम के न्यायालय में चार्जशीट सबमिट की गई है। अभी हम लोगों को उसकी कॉपी नहीं मिली है। चार्जशीट और सीडी की कॉपी मिलने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद देखेंगे कि एसआईटी ने किस आधार पर स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की है, क्योंकि स्वामी जी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ रंगदारी का है। रंगदारी के आरोपियों द्वारा रंगदारी के मामले से बचने के लिए, स्वामी चिन्मयानंद पर दबाव बनाने के लिए झूठे और अनर्गल आरोप लगाए गए, ताकि स्वामी चिन्मयानंद किसी प्रकार के दबाव में आ जाएं और वह रंगदारी के मामले से बच सकें। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद ने किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं किया। जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन दबाव स्वीकार नहीं किया। अब हम लोगों को कॉपी मिलने दीजिए, अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। आधी मुकदमा स्वामी चिन्मयानंद के मामले में आज एसआईटी ने अपनी विवेचना पूरी करके मिस ए और उसके अन्य साथी जो जेल में थे उनके खिलाफ 4700 पेज की आज चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। अब एसआईटी की विवेचना पूरी हो गई है। और कौन कौन से नाम उसमें शामिल करे गए हैं? उसमें जो ऑलरेडी जेल में थे उनके नाम तो एज इट इज रहे हैं। 2 नए मुलजिमों को एसआईटी ने अपनी विवेचना में शामिल किया है, जिसमें एक है अजीत सिंह और एक डीपीएस राठौर, दोनों भाजपा नेता हैं। डीपीएस राठौर ये सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं? हाँ जी, डीपीएस राठौर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब